नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। 29 अप्रैल से प्रदेश में वोटिंग शुरू होगी। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के लिए 22 मई को होने वाले मतदान के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारी ग्वालियर संवाददाता। मतदान में लगे अमले को तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराया जा रहा है ताकि मतदान वाले दिन मतदान सुचारू व सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। रविवार को भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सेक्टर अधिकारियों को ईवीएम वीवीपैट की बारीकियां बताई गईं। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने जानकारी दी कि उन्हें मशीनों में होने वाली संभावित तकनीकी खराबियों एवं उनको दूर करने संबंधी जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिले के सेक्टर अधिकारी उपस्थित थे। इसमें पुलिस व प्रशासन की टीम शामिल थी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग चौधरी ने सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान वाले दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के लिए चेकलिस्ट तैयार की गई है। चेकलिस्ट में ईवीएम वीवीपैट से मॉक पोल, सीआरसी से लेकर समस्त प्रक्रिया की जानकारी संकलित की गई है। इस अवसर पर स्वीप के नोडल अधिकारी शिवम वर्मा ने कहा कि मतदाता जागरूकता गतिविधियों में भी सभी भागीदार बने। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बैठक में उपस्थित सभी सेक्टर मोबाइल अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मतदान प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारी सीआरसी की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें, अपने अपने क्षेत्रों में वर्नेबल मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान रखें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जबलपुर जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 2128 मतदान केंद्रों में से 217 बूथों की कमान महिला कर्मचारी संभालेंगी। इसी प्रकार इन केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से पाटन विधानसभा में 15, बरगी विधानसभा में 9, पूर्व विधानसभा में 14, उत्तर विधानसभा में 42 और कैंट विधानसभा में 24, पश्चिम में 33, पनागर विधानसभा में 40 और विधानसभा क्षेत्र सिहोरा में 40 महिला बूथ बनाए गए हैं। महिला कर्मियों वाले इन सभी मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए मतदान केंद्रों के समीप वाले घरों में शौचालय उपयोग करने की व्यवस्था के साथ ही भोजन पानी से जुड़ी अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। सातवें चरण में संपन्न होने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देवास के निर्वाचन के अंतर्गत शाजापुर जिले में भी आदर्श आचार संहिता जारी है। पेश है हमारे शाजापुर संवाददाता अजीत पाराशर की रिपोर्ट। 2019 के मतदान में अधिकतम मतदान कराए जाने को लेकर जिले में विभिन्न प्रकार के स्वीप कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। खासकर स्वतंत्र लोकतंत्र के निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें खास तौर से शाजापुर जिले में महिला एवं बाल विकास द्वारा विगत लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम था, वहाँ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मंगल दिवस पर विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रायसेन जिले के मतदान केंद्रों, विभिन्न हाट बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्शन के दौरान मतदाताओं को जानकारी दी जा रही है कि वोट डालने के लिए अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने बटन दबाना होगा तथा बटन दबाने के बाद जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके नाम के सामने वाली लाइट जलेगी। इसके बाद वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी, जिसे देखकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उन्होंने जिस प्रत्याशी को बटन दबाया है वोट उसी को मिला है। इस दौरान सभी मतदाताओं से होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान दिवस 6 मई को तथा विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान दिवस 12 मई को अनिवार्य रूप से अपने मतदान केंद्र जाकर बिना किसी दबाव, भय या लालच के स्वविवेक से नैतिक मतदान करने की अपील भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर।
लोकसभा निर्वाचन के लिए इंदौर में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर संसदीय सीट के लिए मतदान 7वें और अंतिम चरण में 19 मई को होना है। इसे लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता तैयारियां की जा रही है। जिले में आचार संहिता के पालन के लिए प्रशासन कटिबद्ध है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेश है इंदौर से हमारे संवाददाता KL जोशी की रिपोर्ट। इस सीट के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन फॉर्म 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। इस हेतु जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी भी कर ली है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रशासन आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर पूर्णतः सतर्क है और इसके प्रभावी अनुपालन के लिए कई कार्रवाइयां की गई है। जिले में आचार संहिता उल्लंघन और संपत्ति विरूपण के मामलों में अभी तक 23 FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं 9769 मामलों में आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 23,34,000 मतदाता हैं, जिनमें 12,31,000 पुरुष जबकि 11,03,093 महिला मतदाता हैं। इनमें 176 ट्रांसजेंडर, 1730 सर्विस वोटर और 7 NRI शामिल हैं। प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को मतदान के लिए अनेक सुविधाएं भी दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से KL जोशी। वहीं छिंदवाड़ा में लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता लगने के बाद संपत्ति विरूपण के तहत अधिकारियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई जिले में की। इसी के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता। 11 मार्च से शुरू हुई इस कार्रवाई में अब तक 9,979 सरकारी तो 1,098 प्राइवेट क्षेत्रों से बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग हटाई गई। इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई आचार संहिता लगने के शुरुआती 9 दिनों में की गई। सबसे ज्यादा 4,043 पोस्टर हटाए गए। इसके बाद 1,300 बैनर और 2,215 वॉल पेंटिंग पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं आचार संहिता के दायरे में आने वाली 2,301 अन्य प्रकरणों पर भी कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात ये रही कि आचार संहिता लागू होने के बाद उल्लंघन के एक भी प्रकरण जिले में कायम नहीं किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिए खंडवा जिले के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए स्वीप प्लान के तहत विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। इसी क्रम में ग्राम रजूर में भागवत कथा कार्यक्रम में आए ग्रामीणों को VVPAT व EVM मशीन के संचालन के बारे में बताया गया और उन्हें मतदान की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही गुड फ्राइडे के अवसर पर स्थानीय चर्च पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में आए ईसाई धर्मावलंबियों को EVM व VVPAT मशीन संचालन के बारे में बताया गया और उनसे 19 मई को मतदान करने की अपील की गई। जिले के शासकीय विद्यालयों में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रंगोली के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा खंडवा गॉट टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन 24 से 26 अप्रैल तक किया जाएगा एवं 23 अप्रैल को ट्रेजर हंट का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। उमरिया में भी चुनावी प्रचार जोरों पर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जिले में निर्वाचन की तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। जिले में 23 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों में पालना घर, छाया की विशेष व्यवस्था, हेल्प डेस्क, लाइन रहित मतदान की व्यवस्था के साथ ही सुविधा केंद्र की विशेष व्यवस्था होगी। इसके साथ ही जिले में स्वीप प्लान अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरोचित सोमवंशी के मार्गदर्शन पर विशेष गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु साइकिल रैली, मानव श्रृंखला, स्वीप चौपाल, लोकगीत गायन व नुक्कड़ नाटकों जैसे विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजनों से मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि सारे काम छोड़ दो, वोट पहले दो। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। रीवा में भी चुनाव को लेकर जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है हमारी रीवा संवाददाता आरती श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पारदर्शिता लाने के लिए मतदान दलों को GPS से ट्रैकिंग हेतु व्यवस्था भी बनाई जा रही है। यहां पर मतदान दलों को ले जाने वाले लगभग 500 से अधिक वाहनों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा। GPS सिस्टम के माध्यम से ही वाहनों के रूट व लगने वाले समय की मॉनिटरिंग होगी। 4 मई से वाहनों का अधिग्रहण होने के बाद GPS सिस्टम वाहनों में लगाए जाने हैं। मतदान दलों के वापस आने के बाद ही ये सिस्टम हटाया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा इसकी तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। वहीं चुनावों के मद्देनजर परिवहन विभाग द्वारा 4 से 6 मई तक बारात एवं अन्य निजी कार्यों हेतु परमिट देने से इनकार कर दिया गया है। मतदान दलों को ले जाने के लिए लगभग 550 वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है। अभी तक लगभग 350 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। शिवपुरी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का अभियान जारी है। इस जागरूकता अभियान में महिलाएं और युवा वर्ग भी अपनी भूमिका निभा रहा है। पेश है हमारे शिवपुरी संवाददाता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा इस समय ग्रामीण इलाकों में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। समूह की महिलाएं रैली निकालकर रंगोली प्रतियोगिता सहित अन्य कार्यक्रम कर महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस कर उनसे मतदान की अपील कर रही हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे गांव व मतदान केंद्र चिन्हित किए हैं, यहां पर महिला मतदाताओं का मतदान का प्रतिशत कम रहा है। ऐसे चिन्हित स्थानों पर महिला मतदाताओं को जागरूक करने के का काम विशेष रूप से किया जा रहा है। इसी तरह शहरी क्षेत्र और नगर पंचायतों में कॉलेज के छात्र छात्राएं भी जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। सतना में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या विशेष तैयारी चल रही है, जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सतना संवाददाता का। सतना जिले में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जिले में विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। जगह जगह चुनावी सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अधिक से अधिक मतदान हो सके इसके लिए जगह जगह रैलियां निकालकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वीप प्लान के तहत पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही लोगों को शपथ भी दिलाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। नीमच जिले में लोकसभा निर्वाचन के तहत शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार की स्वीप गतिविधियां चलाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे नीमच संवाददाता से। 18 अप्रैल को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए वृद्ध मानव श्रृंखला आयोजित की गई। मानव श्रृंखला के द्वारा भारत का नक्शा एवं भारत निर्वाचन आयोग का लोगो बनाया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने मानव श्रृंखला को संबोधित करते हुए मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई तथा उपस्थित जनों से स्वयं मतदान करने तथा दूसरों को भी मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। इस वृद्ध मानव श्रृंखला में नीमच जिला मुख्यालय की विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, NCC स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, आम नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नीमच से मैं दिनेश प्रजापति। और अब बात छिंदवाड़ा की, जहां मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा नष्ट करने के लिए पहली बार गम भूतिया मछलियां पाली जाएंगी। इसके लिए नर्सरी तैयार की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जिले में पहली बार बनने जा रही नर्सरी प्रदेश की सबसे बड़ी नर्सरी होगी। इसके लिए शासन ने से मलेरिया विभाग को फंड जारी किया गया है। विभाग द्वारा गंबूसिया मछली पालन के लिए पिंडरे करा स्वास्थ्य केंद्र के समीप नर्सरी तैयार की जा रही है, जहां मछलियों का पालन कर जिले में इसका वितरण किया जाएगा। मलेरिया अधिकारियों के मुताबिक गंबूसिया मछली मच्छरों के लार्वा को खाती है, इस वजह से शासन हर गाँव और मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इसका वितरण कराएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। इसके साथ ही आज के प्रादेशिक समाचार दर्शन के अंक को यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आले
लेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, अकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और दीपा सिंह। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।